दोस्तों वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग गेम प्ले। आज अपन GTA 4 का जो है DLC खेलने वाले। DLC वो है गेम का एक्स्ट्रा पार्ट, तुम समझ लो। एंड इसमें जो ये एड ऑन किया हुआ है, तो अपन को GTA 4 का अगर तुम कंप्लीट एडिशन परचेस करते हो या तुम्हारे पास कंप्लीट एडिशन है, तो तुम्हें सिर्फ GTA 4 ही नहीं मिलेगा, तुम्हें जो है ये दो DLCs भी देखने को मिलेंगे। ये लिबर्टी सिटी के DLCs है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अपने पास जो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो बेलेड ऑफ गेट ऑन ही है। सो अपन इसे जो है ट्राई आउट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। गेम प्ले देखते हैं, ग्राफिक्स में भी थोड़े बहुत लगता है कि है ना थोड़े अच्छे ग्राफिक्स है GTA 4 के कंपेरिजन में। देखो गेम तो थोड़ी सिमिलर ही है, बट कैरेक्टर अलग है, फील अलग है। सो लेट्स चेक आउट दिस गेम, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड एंड मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। इसमें ऐसा क्या है? सो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो तो बिलीव यू गेट होनी होगी। सो इसे प्ले करते हैं, अपन देखते हैं। सो यार ये देखो, ये अपने पास दो ऑप्शंस है। ये वाला मैं प्ले नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है मेरे को पर्सनली इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जब मैंने प्ले किया। सो अपन जो है ये वाला प्ले करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस एंड देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है, क्या इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। स्टार्ट। सो ये देखो इसकी जो लोडिंग स्क्रीन है टोटली अलग है उससे, एंड इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो भी टोटली डिफरेंट है GTA 4 से। सो ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लोडिंग स्क्रीन है, बहुत ही जल्दी जब गेम जो स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग अ न्यू गेम, एंड पूरे टेक्स्ट वगैरह भी सारी चीज है। एंड देखते हैं इसका जो ओपन वर्ल्ड है कैसा अपन को देखने को मिलता है। आई लव LC। ओके देखते हैं क्या मिशन है। रॉकस्टार गेम प्रेजेंट, टेक्स्ट नियॉन में है। रॉकस्टार नॉर्थ प्रोडक्शन, लेट्स सी। यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं गेम को देखने के लिए। Okay. Sweet, man. I think that's such a good idea. So, yes, I'm not main protagonist. This is gadget that passed in my high school. Cinematic scene ko ek baar ke liye skip karte hain dosto, apan jo hai gameplay pe zyada focus karne wale hain. Gameplay dekhna chahta hu main iska. So, cinematic scene ko skip kar dete hain. Okay. So, let's check out. Okay, so finally apni game start ho gayi, and iske graphics mere ko thode pata nahi kyon acche lag rahe hain. Matlab GTA 4 se agar kuch difference hai, agar tumhe iski knowledge hai to zarur se batana mere ko. Pehli nazar mein iske graphics jo hai थोड़े अच्छे लग रहे हैं GTA 4 के कंपैरिजन में, तो तुम जरूर से बताना यार ये कुछ तो डिफरेंट है इसके अंदर। सो ओके भाई अलग डिटेल्स है, थोड़े रोड्स वगैरह जो है और ज्यादा फर्निश्ड लग रहे हैं, कुछ अलग सा तो है। सो ओके सो अपन को जो है दोस्तों जाना है, अपन जल्दी से लोकेशन पे जाते हैं जो अपन को दी हुई है। ओके 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 GTA 4 में ड्राइविंग नहीं किया हुआ टाइम से, तो मेरी ड्राइविंग जो है एकदम लुल्लालुर हो रखी है, कुछ पता ही नहीं है कैसे चलाना है। दोस्तों फाइनली अब अपन अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, एंड ये सर कोई क्लब व्लब कुछ तो है। सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे क्या करना है अपन को। सो मेरे को गाड़ी जो है उधर लगानी थी, यहाँ पे गार्ड्स वगैरह है कोई तो है, लोग भाग है। लेट्स सी अपन यहाँ पे जो है लगा देते हैं एक बार गाड़ी अपनी। ओके फाइनली अपन ने किसी को ले लिया, ड्राइव टोनी टू द मैसोनिटी कोई है जगह है। ओके सो इतना ही दूर लेके जाना था इसको दोस्तों। दोस्तों अपन नाइट क्लब के अंदर आए हुए, आई थिंक यस, एकदम गाने वाने बज रहे हैं। ये देखो अपन अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे क्या अपन को डांस वांस करना है, हैंग आउट इन द क्लब। ओके वो बढ़िया, ये डांस वांस करता है क्या? ओके अपन डांस कर सकते हैं, चलो अपन डांस करते हैं, देखते हैं क्या है। क्या होल्ड करना है भाई? अच्छा 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 इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन। स्टार्ट डांसिंग। ओके अपन डांस कर रहे हैं। ओके लेट्स सी इसमें कुछ है क्या। डांस नहीं कर रहा यार ये। अच्छा ओके सो ये देखो अभी अपना प्लेयर जो है डांस कर रहा है। मैं एक बार स्टार्ट डांसिंग में क्लिक कर देता हूँ, एंड आप अपन डांस करते हैं। सो फाइनली दोस्तों अपन डांस करके जो है बढ़िया, मतलब अपने पास जो है लड़की आ चुकी है। सो ये देख सकते हो तुम, अब मैं जो है पूरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया है, मैं आई डोंट नो कि कैसे कर पा रहा हूँ मैं। ओके शायद नहीं कर पाया मैं, सो रिजेक्ट हो गया हूँ दोस्तों, वापस से शायद करना पड़ेगा। सो देखो दोस्तों कॉल आ गया अपन को, एंड मैं कॉल को जो कट कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर कोई एनिमी है शायद जिसे अपन मारना है। सो मैं नाइट क्लब को एग्जिट करता हूँ, एंड दोस्तों देखो अपन डे लाइट में आ चुके हैं, एंड मुझे इसके ग्राफिक्स सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंड ये मैंने मोड्स के जरिए किया। तो अपन जो है इसलिए अपन जो है लोकेशन पे भी जो है बहुत ही जल्दी पहुंच गए, एंड ये अपन आ चुके हैं यहाँ पे। सो भाई बहुत ज्यादा अलग से ग्राफिक्स है, एक स्टोरी लाइन एक एक्स्ट्रा अपन को देखने को मिलते हैं, इसके अपार्टमेंट पे अब जाने को बोल रहा है। सो मैं देखो तुम्हें कैरेक्टर दिखा देता हूँ, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा सा है। तो तुम ये बढ़िया चीज है, अपन को DLCs देखने को मिलते हैं इसके अंदर, तो मेरे पास कंप्लीट एडिशन हो सो तुम प्ले कर सकते हो, विच इज अ गुड थिंग। एंड ग्राफिक्स भी थोड़े इसके इम्प्रूव लग रहे हैं मेरे को, पता नहीं क्यों लग रहा है, बट हाँ बढ़िया यार शायद होंगे इम्प्रूव भी, अच्छे ही होंगे इसके। ये देखो अपन इसको बजा देते हैं बढ़िया। सो
सुपर वर्ल्ड की भी थोड़ी बहुत फील ले सकते हैं अपन इसमें बढ़िया तरीके से। दिस इज फॉर द गेम प्ले दोस्तों, सही में बहुत ज्यादा मजा है अपन को GTA 4 का एक DLC ट्राई करने में। एंड ये वाला DLC मैंने ट्राई किया, दूसरा वाला नहीं किया। अगर तुम चाहते हो अगर इसमें ट्राई करूं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो। अपन और भी बहुत क्रेजी गेम्स अपने चैनल पर ट्राई करते हैं, बातें करते हैं, डिटेल्स की बातें करते हैं और भी बहुत बढ़िया फन जो है बन करते हैं अपने चैनल पे। सो डिल एंड बाय, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर, तुम्हारी मर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी क्रेजी क्रेजी वीडियो के लिए।